दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करें हमारे चैनल कंप्यूटर का अध्ययन। इस आज का हमारा टॉपिक है 13 लेसन, हम 13 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्यूटर सामान्य परिचय, और इसका हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। डेटा एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने वाले मशीन होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग में किए जाने वाले जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कॉर्पोरेशन की गतिविधियों को ऑर्गेनाइज मदरबोर्ड ऑर्गेनाइज करता है, निम्नलिखित में से कौन है? कंट्रोल यूनिट, डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर डेट स्टोर करते हैं। न्यूमेट्रिक, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। इनपुट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? सीपीयू कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा आंकलन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जिन्हें वह संख्यक सूचना को कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित चिन्ह को, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? एएलयू, एडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा मशीन डेटा प्रोसेस। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य सभी कार्य है दोस्तों, अंकिक कार्य होता है, तार्किक कार्य और डेटा संग्रह करना। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सीपीयू पीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। सीपीयू कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति होती है दोस्तों? मानव मन की सबसे तेज गति होती है। केंद्रीय पंसन इकाई सीपीयू में काम है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। मनुष्य की समान शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। सामान्य आगे 25 क्वेश्चन, हमारे कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? कृत्रिम। आगे 26 नंबर क्वेश्चन, हमारे कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? यह कम गति क्षमता में काम करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल नहीं है। डेटा का संकलन और निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्माण और पुनर्निगम। कंप्यूटर की क्षमता है दोस्तों सीमित। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट कंप्यूटर का तृतीयक भाग कहलाता है। सीपीयू कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है दोस्तों। सीपीयू का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। सक्षम युक्ति आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। किसी व्यवस्था के कम्युनिकरण में आवश्यकता होती है उपरोक्त के दोस्तों, इसको करने में शिक्षा शक्ति की संबंधित वित्तीय संसाधनों की शक्ति की प्रशिक्षण की एक अत्याधिक संरचना की। आगे 35 नंबर क्वेश्चन, हमारा दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर है। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है कंपेयर। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है। ये सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के प्रमुख घटक हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट। प्रोसेस डेटा को कहते हैं
तत्कालीन रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। आउटपुट क्या है दोस्तों, ये वह है जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट जैसे प्रिंट निकलती है, जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट ही कहलाता है दोस्तों। इंफॉर्मेशनल सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 49 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा सूचना शब्द आवाज इमेज तथा ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले रूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, प्रमुख मेमोरी स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट वैल्यू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहते हैं माइक्रोचिप। प्रमुख मेमोरी के समन्वय में कार्य करती हैं सीपीयू। सीपीयू का प्रमुख कार्य है डाटा और जानकारी प्रोसेस करता है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है सी एवं डी दोनों है दोस्तों। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटरप्रेट किया जा गया है और डी नंबर है हमारे दोस्तों डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते रहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुणा और भाग होता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का रूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। सीपीयू एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना। किसी बाहरी स्रोत में आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भीड़ हो जाती हैं उसे सूचना को डैश कहते हैं। इनपुट सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा को प्रोसेस कर सकती हैं, आउटपुट प्रोड्यूसर करती हैं और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती हैं जैसे कंप्यूटर चलाता है दोस्तों कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं दोस्तों, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट में नहीं जुड़ता, वह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयुक्त समझ सकती हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में डैश शामिल होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डैश कहलाता है। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर करना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, एएलयू। सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं, रजिस्टर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट हैं। गणितीय प्रक्रियाएं पूरी करता है और तुलना करता है।
आगे हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इनपुट सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट GIGO शब्द किसे संबंधित है, एक्यूरेंसी के लिए। और आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का विकास, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने साथियों को टैग करें। धन्यवाद।